दोस्तों, ये माँ हमेशा सोचती रहती है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी बच्ची को अच्छा पोषण भरा खाना नहीं दे पाती हूँ, ना ही उसे अच्छी शिक्षा दे पाती हूँ, और यहाँ तक कि पैसों की कमी के कारण अपनी बच्ची की छोटी मोटी इच्छाएं भी पूरी नहीं करती हूँ। दरअसल दोस्तों, ये माँ छोटे मोटे काम करके जैसे बर्तन मांजना, सिलाई करके अपने घर का गुजारा चलाती है, जिनसे वो अपने घर का किराया तक भी बड़ी मुश्किल से निकाल पाती है। अब एक दिन जब बेटी अपनी ड्रॉइंग बना रही होती है तो एकदम वो बेहोश होकर गिर जाती है, और जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि आपकी बेटी कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई है, उसे अच्छा न्यूट्रिशन भरा खाना खाने की जरूरत है। अब माँ पर जो थोड़े बहुत पैसे होते हैं उनसे दूध खरीदने जाती है, और वो बहुत महंगा होता है, लेकिन दुकानदार माँ की मजबूरी समझकर उन्हें वो दूध फ्री में दे देता है और माँ को बच्ची की ड्राइंग देता है जो वो वहाँ पर छोड़ गई थी। जब वो माँ उस ड्राइंग को खोलकर देखती है तो उसमें बच्ची ने लिखा होता है कि मैं जल्दी से बड़े होकर बहुत सारे पैसे कमाकर माँ के दुख दूर करूंगी, जिसे पढ़कर माँ बहुत इमोशनल हो जाती है, और वो बहुत मेहनत करके आखिर एक अच्छी जॉब हासिल कर लेती है, जिससे वो अपनी बेटी को वो सब दे पाती है जो वो देना चाहती थी। तो दोस्तों, इस माँ के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, और कॉमेंट में आई लव यू माँ जरूर।